हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक दाल। इमली, प्याज, कड़ी पत्ता, 5 हरी मिर्च, 1 कटोरी पालक कटा हुआ और 1 कटोरी तुअर की दाल ली है। हम इसको दाल को पालक अच्छे से धो के कुकर में डाल लेते हैं पकाने के लिए। देखिए, मैंने दाल पालक को धो के ले लिया है, डाल दिया है इमली, हरी मिर्च, करी पत्ता, करी लीव्स। अब हम डालेंगे बड़ा एक कटा हुआ प्याज, ऐसे लंबा लंबा करके कट करके लिया है। आधा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम 1.5 गिलास पानी डाल के इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। इसका 3 विजिल आने तक पकाना है। ये देखिए, अब हमारे दाल पक कर तैयार है। ये देखिए, अब हम इसको तड़का लगाते हैं। थोड़ा मैश करके लेना है दाल को। ये देखिए, मैंने मैश करके ले लिया है चम्मच की मदद से। ये दाल बहुत अच्छी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा पानी डाल देते हैं। इसको आप गाढ़ी भी बना सकते हैं, थोड़ी पतली भी बना सकते हैं। चलिए, फिर गैस के ऊपर एक पतीला रख के उसमें 2-4 चम्मच तेल डाल देते हैं, छोटे चम्मच से। तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद हम डालते हैं उसमें 1/2 चम्मच राई और थोड़ा जीरा। जीरा राई फूलने के बाद हम डालते हैं इसमें लहसुन, उसको थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कूट के लिया है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाने का है इसका। लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हमें डालना है उसमें सूखी हुई 2-3 लाल मिर्च, थोड़े से करी लीव्स, थोड़ा धनिया पत्ता। अब हम पकी हुई दाल डाल देते हैं उसमें। ये दाल बहुत अच्छी लगती है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।